नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका मेंटर, आपका गाइडर, आपका शुभचिंतक फिर से मैं आज आपके लिए गुड न्यूज लेके आ गया हूँ स्मार्ट नर्सिंग एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो देखिए आरआरबी के लिए जो मैंने कल आपको बताया था कि कौन कौन सा यहाँ पे क्या क्या एज क्राइटेरिया होने वाला है, फिलिंग डेट क्या होने वाले, फॉर्म की कितनी वैकेंसीज है, कौन से जोन में कितनी वैकेंसी, सबका मैंने आपको बताया। लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि सिलेबस आपका क्या रहने वाला है, क्योंकि जब भी हम डेस्टिनेशन पे पहुंच पाएंगे जो हमें पता होगा कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की पोस्ट के लिए हमारे पास में सिलेबस क्या क्या हमें पढ़ना है। यस, तो इसी की बात करने वाले हैं। उससे पहले आपके पास में कैसा जोश जुनून होना चाहिए जो कि आपको कुछ करने के लिए मजबूर कर दे, जो कि आपको आपके डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए मजबूर कर दे। तो आ जाइए, कहते हैं कि खुद को इतना परफेक्ट बना लो जिसने भी आपको ठुकराया है वो आपकी एक झलक देखने के लिए तरस जाए। बस मेरा मकसद एक ही है, जिसने भी बेटा आपके लिए आपको कमियां निकाली कि तू कुछ नहीं कर सकता है, बस आपको इस कदर उस डेस्टिनेशन पर ले जाइए कि वो आपसे मिलने के लिए खुद तरस जाए। तो इसी के लिए आपको फाइट करना होगा रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का, भारतीय रेल का, ये नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का टेस्ट जिसमें आपको पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे आपको सबसे पहले 10 नंबर का जनरल साइंस होगा, यस। इसके बाद में प्रोफेशनल एबिलिटी आपकी जो होगी, मतलब नर्सिंग की जो सब्जेक्ट आने वाली है वो आपके कितने क्वेश्चंस होने वाले हैं, 70 होने वाले हैं। जनरल साइंस के कितने, 10 क्वेश्चंस होने वाले हैं। जनरल एरिथमेटिक और जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के मिला के आपको 10 क्वेश्चंस मिलेंगे, जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चंस, ऐसे करके आपके टोटल 100 क्वेश्चंस, एक क्वेश्चंस एक नंबर का होने वाला है। यस, इसी के साथ में आगे जो आपको पता होना चाहिए कि अब जो सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है कि सर आपने बोला है कि यहाँ पे जनरल रीजनिंग भी आएगा, नर्सिंग भी आएगा, कौन कौन से टॉपिक से आएगा, ये भी आप यहाँ पे कंप्लीट कर लीजिए। यस, सबसे पहले एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, और एप्टीट्यूड के अंदर आपके पास में क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आएंगे बेटा, सिलेबस में क्या क्या है, चैन रूल से क्वेश्चन बनेगा, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया से क्वेश्चन पूछा जाएगा, हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन बनेगा, सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन बनेगा, HCF, LCM से क्वेश्चन बनेगा, स्टॉक्स एंड शेयर से क्वेश्चन बनेगा, या फेमस ऑथर्स एंड बुक से क्वेश्चन बनेंगे, रेशियो प्रोपोर्शन से क्वेश्चन आएगा, टाइम वर्क से आ सकता है, या उसके बाद में डेसिमल्स फंक्शन से आ सकता है, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट से आ सकते हैं, या सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन आएगा, रेसेस या अपन कहेंगे गेम से क्वेश्चन आएगा, या अपन कह सकते हैं एलिगेशन या मिक्सचर से क्वेश्चन आएगा, टाइम एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन आ सकता है। कहां से आ सकता है, टाइम एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन ये तो मैंने आपको बताया कि जनरल एप्टीट्यूड में कहां कहां से क्वेश्चन आएंगे। अब आपको पता होना चाहिए जो हमारा प्रोफेशन है नर्सिंग का, प्रोफेशन में क्वेश्चंस कहां कहां से आने वाला है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं नर्सिंग के सब्जेक्ट की। तो यहां पे आपको क्वेश्चंस बनेगा कहां से, सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, या इसके बाद में मेंटल हेल्थ, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से क्वेश्चन आएगा, मिडवाइफरी एंड गायनेकोलॉजिकल नर्सिंग से क्वेश्चन आएगा, हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी से क्वेश्चन आएगा, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी क्वेश्चन आएगा, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग से क्वेश्चन आएगा, इन्वायरमेंटल हाइजीन से क्वेश्चन आएगा, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से क्वेश्चन आएगा, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग यहाँ पे, उसके साथ में टॉक्सिकोलॉजी को, यस इसके बाद अपन कहेंगे फार्माक्यूटिकल केमिस्ट्री से क्वेश्चन आ सकता है, नर्सिंग मैनेजमेंट है या ड्रग स्टोर मैनेजमेंट है, कंप्यूटर नर्सिंग है या ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है या साइकोलॉजी, जितने भी नर्सिंग के सब्जेक्ट है यहाँ पे सभी से क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है। तो नर्सिंग के सिलेबस में जो दिया हुआ है सभी सब्जेक्टों को दिया हुआ है, इसके साथ में और क्वेश्चंस माय डियर कहाँ से आ सकते हैं। तो यदि आपका सपना है आरआरबी में जाने का, तो आपको साथ में क्या पढ़ना पड़ेगा बेटा, यहाँ पे जनरल एप्टीट्यूड नर्सिंग, उसके बाद में क्या आएगा बेटा, जनरल अवेयरनेस भी आपको पता होना चाहिए। तो कहाँ कहाँ से क्या क्या आ सकता है, देखिए यहाँ पे इंडियन करंट अफेयर्स आ सकता है, इंडियन पॉलिटिक्स से क्वेश्चन आएगा, इंडियन फेमस प्लेसेस से क्वेश्चन आएगा, या सिविक्स से क्वेश्चन आएगा, फेमस डे एंड डेट से क्वेश्चन आ सकता है, या इन्वेंशंस एंड डिस्कवरी से क्वेश्चन आएगा, इंडियन एनवायरमेंटल इश्यू से क्वेश्चन बन सकता है, लेटेस्ट जनरल नॉलेज यहाँ पे सिलेबस में है, इसके बाद जनरल साइंस या इंडियन हिस्ट्री या इंडियन पार्लियामेंट से क्वेश्चन बन सकता है, इंडियन रिवर्स कौन कौन से है, लेक्स कौन कौन से है, सीज कहाँ कहाँ पे क्या है, तो मतलब कि यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ से आएगा, इंडियन स्पोर्ट्स से आ सकता है या टूरिस्ट में क्वेश्चन आएगा,
आर्टिस्ट से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज अपडेट से क्वेश्चन आ सकता है, कंट्रीज एंड कैपिटल से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। यहां पे तीन पार्ट्स मैंने आपको बताया है, जनरल अवेयरनेस या प्रोफेशनल एबिलिटी या जनरल एप्टीट्यूड्स की मैंने आपसे बात की है। क्वेश्चंस कहीं से भी बन सकता है। अब बात यह है कि सर ये सब तो ठीक है कि आपने हमें यह सब कुछ बता दिया है, लेकिन अब ऐसा क्या पढ़ें, कहां से पढ़ें कि हम ऐसे अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाए, कम से कम समय में हम अपने डेस्टिनेशन को अचीव कर लें। तो बेटा मोस्ट वेलकम है आप सभी का, यस स्मार्ट नर्सिंग एकेडमी ने 3 महीने के लिए आपका यस आरआरबी स्पेशल इवनिंग बैच स्टार्ट कर दिया है, जिसके लिए 15/8/2024 से 15 अगस्त से देश की आजादी जिस दिन हुई थी उसी दिन से अपन क्या करने वाले हैं, आरआरबी पे फतेह हासिल करने के लिए न्यू बैच अनाउंस करने वाले हैं। यस तो यहाँ पे अपना आरआरबी का स्पेशल बैच जो रहेगा ये मात्र आपका मैच एक्सपेक्टेशन के आधार पे 3 महीने का बैच माना जाएगा, ओनली 3 मंथ का। स्मार्ट नर्सिंग एकेडमी आपको टिल ऑफ सिलेक्शन तक पढ़ाएगी, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा तब तक स्मार्ट नर्सिंग एकेडमी पढ़ाएगी। लेकिन आरआरबी के लिए क्या आपकी फीस 27,850 रहने वाली है? नहीं माय डियर, क्योंकि स्मार्ट नर्सिंग एकेडमी पैसे के लिए नहीं है। यस यहाँ फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर का फ्यूचर बनाया जाता है। क्या सर आप इस बैच की 25,000 फीस लेने वाले हो? नहीं बेटा, ये भी आपकी फीस नहीं रहने वाली है। क्या सर यहाँ पे आप 20,000 फीस लेने वाले हो आरआरबी के लिए? नहीं बेटा, ये भी आपकी नहीं रहने वाली है। फीस क्या रहेगी कॉन्टेक्ट नंबर पे आप एक बार इन्फॉर्म कर लेना, आप कॉल कर लेना, आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी 9782311156। आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन इस नंबर पे मिलेगी। यदि आपको ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी टाइप का बैच चाहिए, यदि आपको कम समय में आरआरबी में सिलेक्शन चाहिए, तो आइए स्मार्ट नर्सिंग एकेडमी के द्वार हमेशा ऐसे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर के लिए खुले हुए हैं। जय हिंद, जय भारत।